हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपने नीट 2022 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नीट 2022 की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे दोस्तों, उन 16 डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो आपके पास रेडी मोड में होने चाहिए दोस्तों। साथ में नीट 2022 का रिजल्ट जो है दोस्तों, वो 15 अगस्त तक आपका जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 5 अगस्त तक आपकी आंसर की डिक्लेयर कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों, आपकी काउंसलिंग जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। साथ में बात करूँ दोस्तों केरला की, तो वहाँ पर जो है आपकी MBBS और BDS के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 26 जुलाई अंतिम डेट है, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि केरल ही एक ऐसा स्टेट है जो नीट एग्जाम से पहले ही आपके जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होते हैं। अप्रैल में ओपन हुए थे, उसके बाद दोस्तों अभी जो है ये रीओपन कर दिए गए हैं। अंतिम मौका है आपके पास 26 जुलाई तक। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज यहीं पर है, 6 लाख से फीस स्टार्ट होती है दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, मैंने वीडियो बना दी थी उसमें पूरी जानकारी दे दी। तो चलिए दोस्तों, अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होते हैं और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों काउंसलिंग के समय, क्योंकि काउंसलिंग की हर एक गाइडलाइन हम आपको अपने चैनल पर देंगे, कैसी चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वो 16 डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, सबसे पहला मैं आपको बात करूँ तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2022, जो आपने नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास दोस्तों नीट 2022 का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड इशू हुआ था आपका, वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए दोस्तों, सेम एज जो कि आपने नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड में दी थी। उसके बाद दोस्तों आपके पास इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी के, अगर आप बिलोंग करते हैं तो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं नंबर 5 की, तो नीट रैंक कार्ड 2022, जो रिजल्ट जब आपका आएगा दोस्तों तो आपको जो है नीट का रैंक कार्ड मिल जाएगा, आप उसको भी एक फोटोकॉपी करा के रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीट का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों, ये जो है आप अपने तैयार रखिएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 8 है दोस्तों प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर और कोलेटर। तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और जब फर्स्ट या सेकेंड राउंड मोपअप राउंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा, वो आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जो है एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है दोस्तों, या फिर आप कॉल लेटर बोल सकते हैं, जो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते टाइम दिखाना है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की, कि आप किस कास्ट से जो है बिलोंग करते हैं। फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, जो आपने फी जो है कटवाई है उसकी आपके पास स्लिप होनी चाहिए। क्लास 10th मार्कशीट और क्लास 10th सर्टिफिकेट और क्लास 12th मार्कशीट और क्लास 12th सर्टिफिकेट। 10वीं की आपके पास DMC हो दोस्तों मार्कशीट आप बोल सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी। इसी प्रकार 12th की मार्कशीट और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड या फिर एनी एड्रेस प्रूफ, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड या फिर दोस्तों पैन कार्ड इनमें से कोई हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक है दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स फेक मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसके कारण उनको जो है कॉलेज नहीं मिल पाता है और उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए जो है अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखें। तो दोस्तों ये है वो इम्पोर्टेंट 16 डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिएंगे। अगर ये 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, आप एक फाइल बना के तैयार कर लेना, जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पर रिपोर्ट करते टाइम आप इन 16 डॉक्यूमेंट को दिखा देंगे तो आपको जो है वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। थैंक यू।